जहां बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करते हुए नजर आए। टोल प्लाजा पर ही सीएम योगी ने मीटिंग भी ली थी। आपको बता दें, शासन जीएम के शीर्ष अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम ने पीएम के आगमन की तैयारियों की इस बाबत जानकारी ली है। कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। ये एक्सप्रेसवे बड़ी गति देने वाला साबित होगा, तमाम बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही हैं। के विकास की धुरी बनने जा रही है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फरवरी 2020 में इस एक्सप्रेसवे का आधारशिला रखी थी। यद्यपि मार्च 2020 से पूरी दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में है, बावजूद इसके उत्तर प्रदेश सरकार ने एक समय सीमा से पहले लगभग 300 किलोमीटर लंबी यानी 296.5 किलोमीटर की पूरा एक्सप्रेसवे है, और अगर इसमें अन्य जो सुविधाएं हैं उन सभी को देख लिया जाए तो 300 किलोमीटर लंबा इस एक्सप्रेसवे को हम लोग 14 जुलाई तक कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए देखिए, अब एक्सप्रेसवे की खासियत दिखा रहे हैं आपको। 296 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे होगा जो कि 7 जिलों को जोड़ेगा। 4 लेन का एक्सप्रेसवे का फिलहाल प्रस्ताव है। आगे भी इस 4 लेन को 6 लेन में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो 6 लेन तक एक्सपेंडेबल है, यानी कि शुरुआत तो 4 से की है लेकिन 6 लेन तक ये एक्सपेंडेबल है। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, वो नक्शा भी दिखा रहे हैं। तो 4 रेलवे ओवर ब्रिज भी यहाँ पर बनाए जाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें, 14 लंबे ब्रिज भी इस एक्सप्रेसवे की खासियत रहेंगे। तो देखिए, ये एक्सप्रेसवे कितनी जगह से होके जाएगा और 18 फ्लाईओवर इस बीच रखे जाने हैं। तो लगभग 5 एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में इस वक्त हैं। ये 5वां एक्सप्रेसवे है। 6 टोल प्लाजा इसके अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा आपको बता दें, 7 रैंप प्लाजा भी इसके अंतर्गत आने वाले हैं। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की जो खासियत है वो हम आपको गिना रहे हैं। 16 इंटरचेंज पॉइंट यहाँ पर हैं जो कि 17 जिलों को ये जोड़ेगा, और एक लंबी दूरी को कैसे तय किया जाए, कैसे कम किया जाए, ये एक्सप्रेसवे उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेगा। पूरे एक्सप्रेसवे पे ग्रीन बेल्ट रखी गई है, ये अपने आप में एक सुखद है। 7 नदियों के ऊपर से गुजरता है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। कई जिलों से होकर गुजरेगा, यानी कि हम आपको जिले बता रहे हैं। 7 जिलों को इससे सीधा फायदा तो होगा ही, इसके अलावा जिन जिन जिलों से होकर गुजरेगा उनको भी फायदा होगा। चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया, इटावा से होकर ये पुल गुजरेगा। करीब 200 गांव को इस एक्सप्रेस जिले से फायदा होगा। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अपने रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हो गया है। यूं कहे कि 28 महीने में ही बनकर तैयार हो गया, जो कि 6 महीने पहले ही बनकर तैयार हो गया है। जो डेडलाइन थी वो 6 महीने पहले ही बनकर तैयार किया गया है, तो समय से ही पहले बनकर तैयार हो गया है ये एक्सप्रेसवे, ये इसकी खासियत है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि फिलहाल ये 4 लेन है लेकिन 6 लेन एक्सपेंडेबल है। 36 महीने की जगह 28 महीने में बनकर तैयार हुआ है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं।